हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग करेंट अफेयर्स का जो पहला सेट है इसको देखने वाले हैं। और ये स्पीडी करेंट अफेयर्स के पीछे जितनी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उनको मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राहुल सचदेव, मोहिनी अग्निहोत्री, सचिन मल्होत्रा, दिनकर गुप्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनकर गुप्ता, यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख दिनकर गुप्ता को बनाया गया है। उसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आंध्र प्रदेश, यानी हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, यानी दो नंबर का सी क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तीन नंबर का सवाल। तीन नंबर का सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? ए विजय अमृतराज, बी उमर निसार, सी चारुदत्त मिश्रा और डी बी वी दो सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय अमृतराज, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा तीसरा चौथा नंबर का सवाल। चौथा नंबर का सवाल है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ए अमजद एहतसाम सईद, राघवेंद्र सिंह चौहान, रविशंकर झा और डी अब्दुल हामिद कुरैसी। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर होगा, यानी कि देखिए अमजद एहतसाम सईद, यानी हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश अमजद एहतसाम सईद बने हैं। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध राजस्थान से है। उसके बाद देखिएगा छठा नंबर का सवाल। छठा नंबर का सवाल कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए असम, बी ओडिशा, सी गुजरात और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ओडिशा सही होगा। अगला सवाल देखिएगा, पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 12 मार्च, बी 24 जून, सी 18 मई और डी 20 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जून, यानी 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा आठ नंबर का सवाल। आठ नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 10 जनवरी, बी 12 मार्च, सी 23 जून, डी 18 जुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? ए वियना, बी दिल्ली, सी कराची और डी ढाका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वियना इसका सही जवाब होगा। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर का सवाल। 10 नंबर का सवाल है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा शुरू किया है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी झारखंड और डी मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी केरल, यानी केरल राज्य ने मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना किया शुरू किया है। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर का? 11 नंबर का देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसके बाद बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और डी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो राइट आंसर 11 नंबर का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सही होगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर का सवाल। 12 नंबर कह रहा है, क्या हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ए नेपाल, बी भारत, सी दक्षिण कोरिया और डी चीन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, यानी कि 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 13 नंबर का सवाल है, किस देश में 48वां जी7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, ए रूस, बी जर्मनी, सी पाकिस्तान और डी भारत। तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जर्मनी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद देखिएगा कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है, ये जापान, चीन, भारत और रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ये, यानी कि जापान सही है। उसके बाद देखिएगा 15 नंबर का सवाल देखिए, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने का घोषणा किया है, ये 20%, 10%, 30% और 40%। तो 15 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी 10%। उसके बाद देखिए 16 नंबर का सवाल, कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं, मिचेल मार्श, उसके बाद मार्नस, लाबुशेन, एलेक्स कैरी, डेविड वार्नर। तो 16 नंबर का राइट आंसर होगा डेविड वार्नर। अगला नंबर देखिएगा 17 नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बना है, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का ए, यानी कि इसका राइट आंसर असम होगा। उसके बाद 18 नंबर में देखिएगा, किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है, आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी 18 नंबर का ए नंबर बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा 19 नंबर कह रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रीय चुनाव के लिए नामित किया है, यशवंत सिन्हा, पीयूष गोयल, लालकृष्ण आडवाणी, द्रौपदी मुर्मू। तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये ऑलरेडी राष्ट्रपति 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी है, ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। और ये इनका जो राज्य है ये ऑलरेडी ओडिशा की है। उसके बाद देखिएगा, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है, तो इसका राइट आंसर होगा आईआईटी मद्रास, यानी कि चारों ऑप्शन यदि देख लिया जाए तो राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। उसके बाद देखिएगा 21 नंबर का सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने एजूथम योजना लॉन्च की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। 22 नंबर का सवाल देखिएगा, किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लिया जाए, रूस, जापान, बांग्लादेश और चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। उसके बाद 23 नंबर में देखिए, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है, ए 19 जून, 18 अगस्त, 10 जनवरी, 12 मार्च। तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए 19 जून। उसके बाद देखिएगा 24 नंबर कह रहा है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ए नेपाल, बी चीन, सी भारत और डी रूस। तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भारत, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा और ये भारत होगा। उसके बाद देखिएगा 25 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर वेलबींग, योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि 25 नंबर का ए बिल्कुल सही है। उसके बाद 26 नंबर में देखिएगा, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है, 20 जून, 10 मार्च, 12 अप्रैल, 18 अगस्त। तो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा 27 नंबर का सवाल, हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, ये हरभजन सिंह, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, विराट कोहली। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का सी, यानी कि दिनेश कार्तिक क्लियर आंसर है, यानी सही आंसर है। 28 नंबर देखिएगा, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 वर्ष, 23 वर्ष, 24 वर्ष और 25 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 वर्ष। उसके बाद किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम
पोर्टर फील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और आयरलैंड। तो 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद देखिएगा 29 नंबर हो गया। 30 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों, इसमें कह रहा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी की को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? राधा एंगर क्लब, शांति सेठ, महेंद्र टक और प्रमिला जयपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा एंगर प्लम्ब, यानी कि 23 नंबर का ए नंबर। उसके बाद 31 नंबर देखिए, भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राहुल सचदेवा, रंजना प्रकाश देसाई, प्रकाश मल्होत्रा, मोहन अग्रवाल। तो 31 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंजना प्रकाश देसाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहली महिला भी है। उसके बाद देखिए, आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के वैज्ञानिक सलाहकार, विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ए चीन, बी रूस, सी अमेरिका और डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अमेरिका। नेक्स्ट देखिएगा 33 नंबर का सवाल। 33 नंबर कह रहा है कि किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है? मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी, अनिल अंबानी। तो 33 नंबर का राइट आंसर होगा रतन टाटा, यानी कि देखिएगा महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर रतन टाटा को दिया गया है। उसके बाद 34 नंबर में देखिएगा, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? कोमल मल्होत्रा, गीता देवी, रबाब फातिमा, सरिता गुप्ता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 34 नंबर का राइट आंसर होगा रबाब फातिमा। उसके बाद 35 नंबर का देखिएगा, कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ? ए बांग्लादेश, बी मलेशिया, सी चीन और डी रूस। तो 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी मलेशिया इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा 36 नंबर का सवाल। 36 नंबर कह रहा है कि भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? ए दिल्ली, बी पटना, सी रांची, डी हैदराबाद। तो 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हैदराबाद होगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 16 जून, 17 जुलाई। तो 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 16 जून इसका सही जवाब होगा। उसके बाद फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? ए 35%, बी 25%, सी 45%, डी 10%। तो 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 25%, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद देखिएगा 39 नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया है? चीन, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। तो 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा चीन। उसके बाद कह रहा है कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 17 अगस्त, 15 जून। तो 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 15 जून। उसके बाद 41 नंबर का देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ए बिहार, बी पंजाब, सी केरल और डी तमिलनाडु। तो 41 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी के केरल। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल 42 नंबर का। 42 नंबर कह रहा है क्या कि गुरु नायडू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वर्ण पदक। उसके बाद 43 नंबर में देखिएगा, हाल ही में किसने अंडर 15 ACI जूनियर स्क्वेश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? कोमल सिंह, कोमल अग्रवाल, अनाहत सिंह, जया अग्निहोत्री। तो 43 नंबर का राइट आंसर होगा अनाहत सिंह। उसके बाद देखिएगा नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो रामानाथ त्रिपाठी, विनीत जिंदल, परमेश्वरन अय्यर, प्रभु देवा श्रीधर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, परमेश्वरन अय्यर, नीति आयोग के नए मुख्य यानी CEO कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। तो इस प्रकार जो है हम लोग 14 से 15 मिनट में 44 सवाल को किए, जो BPSC सचिवालय सहायक, रेलवे ग्रुप डी, इन तमाम परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।